नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वह नवरात्रि से रिलेटेड है। राशि पर पड़ेगा नवरात्र का असर, तो सभी रात्रियों पर कुछ ना कुछ विशेष असर पड़ेगा इस नवरात्रि में। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में आज यही बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले। इस बार नवरात्रि के 10 दिन का विशेष संयोग बना है और हर राशि के लिए यह 10 दिन कुछ न कुछ विशेष लेकर आया है। राहु का सिंह राशि में संचरण थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। राहु के कारण समाज में वाद विवाद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः नवरात्र कुछ लोगों के लिए मिश्रित फल देने का काम करेगा। मेष राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है इस राशि के लोगों के लिए नए संबंधों का आगमन है और इसके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के भाग्य में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य के लिहाज से इसके लिए समय मध्यम है। मिथुन राशि वाले जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी पेशा के भाग्य में बढ़ोतरी की संभावना है। कर्क राशि के लोग की पराक्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रित रखें, वाणी दोष हो सकता है। सिंह राशि वाले लोग स्वास्थ्यगत समस्या हो सकती है, धनागमन और पराक्रम वृद्धि भी हो सकती है। तुला तुला राशि वाले लोगों के लिए धन वैभव और लक्ष्मी में बढ़ोतरी होगी। पढ़ाई में समस्याओं का आमना सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले लोगों की शुभता में वृद्धि होगी, धन का आगमन बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेगा। वृश्चिक इस राशि वाले के फैशन पर खर्चे बढ़ेंगे। इन लोगों का पर नकारात्मक सोच हावी हो सकती है। सम्मान में कमी होगी। फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी। बाहरी लोगों पर विश्वास कम करें। सम्मान और आलस में वृद्धि होगी। धनु राशि लोग वाले के फैसले में की क्षमता बढ़ेगी। बाहरी लोगों पर विश्वास कम करें। सम्मान एवं आलस्य में वृद्धि होगी। मकर राशि किसी से बोलते हुए सोच समझ कर बोले। पैर में चोट या दर्द, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले रुपए पैसा का आगमन बढ़ेगा। पेट की बीमारियां हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए शिक्षकों के लिए और अविवाहितों के विवाह के लिए उत्तम समय, मनोबल ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि नवरात्रि में किस राशि के लिए कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।